हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल से संबंधित कुछ हिस्ट्री का प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। यह हमसे पूछा जा सकता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो हमारा सही आंसर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो हमारा सही आंसर सेनापति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणव या काणव वंश का संस्थापक कौन था। तो हमारा सही आंसर वसुदेव हो जाएगा। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन। तो मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी कनिष्क हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो हमारा सही आंसर गंधार कला हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं हमारे इंडिया में इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो सही आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीशा के।